दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप बॉक्स जो है एडिसन का ओएस मिनी 4 के बहुत ही कॉस्टली सेटअप बॉक्स है जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है। और ये सेटअप बॉक्स का पहले तो मैं दिखा दूँ इस पे क्या क्या लिखा हुआ है। और इसके अंदर आपको प्रोसेसर मिलता है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं आप, यहाँ पे ब्लाइंड वगैरह मल्टी व्यूअर ये सारी चीज़ें 4K अल्ट्रा HD सेटअप बॉक्स है और ये लिनक्स वाला सेटअप बॉक्स है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और प्रोसेसर वगैरह इसमें सारी चीज़ें रहती हैं, आप देख सकते हैं सेटअप बॉक्स के पीछे इधर उधर क्या लिखा हुआ है। एडिसन कंपनी का ये सेटअप बॉक्स है। तो आपने अभी तक इंडिया में इसका कोई भी वीडियो नहीं देखा है, बाहर के वीडियोज़ अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं सबसे पहले, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपको इसके अंदर क्या क्या है वो चीज़ें पढ़नी हैं तो दोस्तों स्क्रीन शॉट लेके इसका पढ़ सकते हैं या मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप 4K UHD सेटअप बॉक्स है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, ड्यूल कोर ARM 1.5 GHz का है, H.265 HEVC डिकोडिंग सपोर्ट है। उसके नीचे आप देखेंगे फ्लैश 8GB MMC रैम इसमें दिया हुआ, 1GB का DDR 2400 MHz पे। और आगे आप पढ़ेंगे 1DVB S2X ट्यूनर इसमें आपको मिल जाता है, मल्टी स्क्रीन सपोर्ट है इसके अंदर, ब्लाइंड स्कैन सपोर्ट है, 4K UHD मल्टीमीडिया प्लेयर है इसमें, LED डिस्प्ले है इसका। और नीचे देखेंगे स्मार्ट कार्ड इंटरफेस है, सॉलिड 10/100 MBPS इथरनेट नेटवर्क इसका इंटरफेस दिया हुआ है। आगे देखेंगे लाइव स्ट्रीमिंग थ्रू द होम नेटवर्क, ये भी इसमें ऑप्शन मिल जाता है आपको। और नीचे आप देखेंगे पिक्चर एंड पिक्चर का भी ऑप्शन मिलता है इसमें आपको, PIP का। उसके नीचे देखेंगे आप वेब ब्राउजिंग सपोर्ट है। उसके नीचे देखेंगे आप एक्सपेंडेबल एड वंस एड ऑन एंड प्लगइन्स है। उसके नीचे देखेंगे फ्री इंटरनेट स्ट्रीमिंग TV एंड रेडियो दोनों के लिए है, यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल इसमें आपको मिल जाता है 2-in-1 जो TV के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, केस 180M ये भी इसमें है। तो दोस्तों ये सेटअप बॉक्स है और सेटअप बॉक्स का अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये हर कंट्री के हिसाब से लैंग्वेज लिखी हुई है। यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए 4K लिनक्स सेट रिसीवर H.65 यानी कि अल्ट्रा HD सेटअप बॉक्स है। और इसमें फ्रंट का लुक जो मैंने दिखाया आपको कैसा होता है, फ्रंट का लुक इस सेटअप बॉक्स का ऐसा होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये फ्रंट लुक है इस सेटअप बॉक्स का जो कि फ़ोटो में आ रहा है, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये इसके फ्रंट का लुक है दोस्तों, देख सकते हैं आप, ब्लाइंड स्कैन मल्टी स्ट्रीमिंग और 4K इस पर लिखा हुआ है। और बैक लुक इसका मैं दिखाऊं, जबकि ओपन करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो बैक लुक भी आप देख सकते हैं इसका बैक लुक किस तरीके का होता है। बैक लुक आप देखिए, इसको मैं इस तरीके से आपको दिखाता हूँ सीधा करके, तो ये इसका बैक लुक होता है दोस्तों। तो बैक में क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, मैं इसको क्यों आपको दिखा रहा हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप बैक लुक कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके के पोर्ट इसमें दिए हुए होते हैं। तो दोस्तों मैं इसको रख देता हूं और अब इसकी अनबॉक्सिंग मैं कर लेता हूं आपके लिए, आपको दिखाने के लिए ये बॉक्स मंगाया गया है। अच्छे से अच्छे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, अच्छे से अच्छे सेटअप बॉक्स की अनबॉक्सिंग करके हम दिखाते हैं आपको, जिससे कि आपको पता चल सके कि दुनिया में इस तरीके के भी सेटअप बॉक्स होते हैं तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सेटअप बॉक्स बाहर का है, इंडिया का नहीं है, इंडिया में नहीं मिलेगा, तो इंडिया में किसी दुकान पर ट्राई ना करें। तो सबसे ऊपर इसमें मिल जाता है आपको, ये देखेंगे एडिसन का इसमें एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है आपको, तो इसको पढ़ सकते हैं लेने के बाद अगर आप इस सेटअप बॉक्स को परचेज़ करते हैं। बाकी सिस्टम वगैरह मैंने इसमें भी आपको पढ़ के बता ही दिए हैं। इसके अंदर आपको IR सेंसर अलग से मिल जाता है जो कि मैं बाहर निकाल लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये IR सेंसर इसमें आपको मिल जाता है, एक बाहर से अलग से IR सेंसर इसमें दिया हुआ है, तो IR सेंसर लगाने के लिए भी इसमें आपको अलग से IR सेंसर मिल जाता है दोस्तों, एक मिल जाता है ये आपको। देखेंगे USB मेल फीमेल इसमें आपको एक मिल जाता है, दोनों तरफ पोर्ट है, एक तरफ मेल है एक तरफ फीमेल है, तो एक USB का कोड भी इसमें आपको ये मिल जाता है दोस्तों। तो इसको भी मैं यहाँ पर रख देता हूँ साइड में। और इसके अंदर से और देखेंगे तो और क्या मिलता है इसमें, और देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दो बैटरी मिल जाती हैं आपको, ये देखिए दो बैटरी मिलती हैं इसके अंदर, बैटरी हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पे एक रिमोट, यूनिवर्सल रिमोट जैसा कि इसमें लिखा हुआ था, तो ये यूनिवर्सल रिमोट है। और यहाँ पे ये TV के लिए दिया हुआ है, इतना हिस्सा जो है ये TV के लिए दिया हुआ है दोस्तों। तो एडिसन का यूनिवर्सल बहुत हैवी मजबूत रिमोट है, जल्दी ख़राब होने वाला रिमोट नहीं है। उसके बाद हम इसको और ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें, ये पावर एडाप्टर है दोस्तों 2 एम्पियर का, इसको क्या निकालना है, ये फंसा हुआ है, इसको फंसा रहने दीजिए। 2 एम्पियर का पावर एडाप्टर इसमें मिल जाता है
और यहाँ पे हमारा ये सेटअप बॉक्स हमको मिल जाता है दोस्तों। तो सेटअप बॉक्स को हम बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल के सेटअप बॉक्स का लुक जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था वही सेटअप बॉक्स का लुक है ये। अब मैं इसको थोड़ा सा बंद कर लेता हूँ और बंद करके आपको दिखाता हूँ ये सेटअप बॉक्स का लुक हाथ में लेने के बाद में कैसे दिखता है। अभी तो फ़ोटो पर मैंने आपको दिखाया था, अब इसको बाहर निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे बैक साइड से जो हमारा बैक मिलता है, इसमें मेटल का बैक मिलता है। इसमें पूरा सेटअप बॉक्स मेटल का है, प्लास्टिक का नहीं है। पीछे का देखेंगे आप, पीछे से मैं आपको वापस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों देखने के लिए आपको मिल रहा होगा यहाँ पे ये दिया हुआ है। इसमें पावर अडोप्टर जहाँ लगेगा ये RS232 का है। ये आपका IR सेंसर जो मैंने दिखाया था वो यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर एक USB दिया है, इथरनेट के लिए दिया है, लैन केबल लगा सकते हैं। USB का दूसरा पोर्ट है, HD आउट है और SPDIF इसके अंदर मिल जाता है। और दोस्तों ये मिलता है आपको एक ट्यूनर, हाई ट्यूनर, हैवी ट्यूनर दोस्तों मिल जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त ट्यूनर होता है ये इस सेटअप बॉक्स का, जिसकी कीमत 30,000 से ज़्यादा हो सेटअप बॉक्स की कीमत। जी हाँ, इस सेटअप बॉक्स की कीमत 30,000 से ज़्यादा है अगर आप इसको मंगाते हैं, और अगर कस्टम लगाते हो 40,000 के ऊपर भी जा सकता है। तो मंगाने में इसके 30,000 से 35,000 के आसपास ये सेटअप बॉक्स आपको पड़ता है दोस्तों। सेटअप बॉक्स तो बहुत कम कीमत में भी आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतना महंगा सेटअप बॉक्स है, इंपोर्ट चार्ज वगैरह लगा के सेटअप बॉक्स महंगा हो जाता है। वहाँ से अगर आप रेट देखेंगे तो इससे कम रेट मिलेंगे, लेकिन इंडिया में आते आते ये सेटअप बॉक्स महंगा हो जाता है दोस्तों। देख सकते हैं आप यहाँ पे फ्रंट लुक इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे चैनल प्लस माइनस और पावर का बटन है। कंपनी का लोगो यहाँ पे देखेंगे, मार्का यहाँ पे है, और यहाँ पे देखेंगे इसके मॉडल का नाम लिखा हुआ है जो है OS Mini 4K। तो दोस्तों Ultra HD सेटअप बॉक्स का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मिल जाता है आपको लिनक्स का, और 1.5 GHz का इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाता है। कंप्यूटर के जैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली मैं बताऊँ, एंड्रॉयड भी समझिए इसको, और डिश एंटीना से भी वर्क करता है। तो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती हैं, सारी चीज़ें वर्क करने के लिए मिल जाती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हैवी सेटअप बॉक्स है। तो दोस्तों इतने महंगे महंगे सेटअप बॉक्स हम आपके लिए लेके आते हैं और दिखाते रहते हैं आपको, जिससे कि आपको जानकारी मिल सके। और हमारा उद्देश्य कुछ नहीं होता है, हमारा उद्देश्य ये होता है अगर आप ये चीज़ खरीदने जाएं तो पहले इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और जिनको नहीं पता है इसके बारे में उनको भी पता चलना चाहिए कि आखिर चीज़ क्या क्या होती है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में लगेगा कि हमारी मेहनत जो है सफल हो गई। तो दोस्तों ऐसे वीडियो हम आपके लिए और लाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेडिस भाई का जय हिंद।